चलिए जी, मैं तो हो गई हूँ तैयार, तो चलते हैं ना सगाई में, भाई प्राची और सिड की सगाई में। अब यूं तो इस सगाई में कोई खुश नहीं है, लेकिन जो सारे रस्में निभाई जा रही हैं, जो सारे काम हो रहे हैं, वो खुशी वाले ही हो रहे हैं। तो भैया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। प्राची और सिट की सगाई में ही यो ड्रामा तो जारी रहेगा। बेचारे रणबीर को ही बुरा भी लगेगा कि उसकी प्राची की सगाई हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनके बीच ना ही कपल डांस होगा। ही पहले तो रिया और रणबीर का डांस होगा, फिर प्राची और सिट का, और उसके बाद अदला बदली ऐसी होगी कि प्राची और रणबीर का डांस शुरू हो जाएगा। अब ये हैप्पी डांस देखकर ये न सोचना कि यहाँ पर ना सगाई में कोई रोक टोक ना होगी, होगा जरूर होगा। क्या कर रही हो? ये सब इसकी वजह से हुआ है। यूं तो रिया ने एक कई बार थप्पड़ खाया है, लेकिन ये थप्पड़ ना उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि प्राची ने घर वालों को बता दिया है कि रिया सिट को ब्लैकमेल कर रही है। इसकी वजह से सिट को ये करना पड़ा, इसने उसे ब्लैकमेल किया था। जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिया है। मुझे नहीं लगता कि मेरा भांडा इतनी जल्दी सबके सामने फूटेगा और आ जाएगा, नहीं। तो हाँ, प्राची मुझे थप्पड़ मारती है, तो बहुत बार उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं, मैंने उसको थप्पड़ मारे हैं। हम बहनें हैं तो बहनों के बीच में ये चलता रहता है। और हाँ, लेकिन शायद हो सकता है, एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद उसको मेरा सच पता है, पर देखते हैं कि वाकई में वो जानती है कि सिड ऐसा क्यों कर रहा है। इससे पहले कि आप खुश हो जाएं कि ये सगाई टूट गई है, आपको जाते जाते बता दें कि ये ना है प्राची का सपना होगा, जो कि वो दिन में है खड़े खड़े इस सगाई के फंक्शन में देखेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।